मारुति सुजुकी कहने को इंडिया की सबसे बड़ी कार ब्रांड है। अराउंड 43% मार्केट शेयर है डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल सेल्स में। पर जब बात आई इलेक्ट्रिक कार्स की तो वहां पे मारुति सुजुकी ने अपने हाथ खड़े कर लिए। और मारुति सुजुकी का कहना कुछ ऐसा था कि इंडिया में 8 लाख से ऊपर वाले गाड़ियों की सेल्स सिर्फ 20% ही होती है और 10 लाख के अंदर एक अच्छी इलेक्ट्रिक कार बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक कार के कॉस्ट का 50% कॉस्ट तो सिर्फ बैटरी पे ही इन्वेस्ट हो जाता है। तो जब तक ये कॉस्ट 50% से 25% तक नहीं आ जाता, हम ईवी मार्केट में नहीं एंटर करने वाले। तो मारुति सुजुकी के तरफ से आपको फर्स्ट इलेक्ट्रिक कार अराउंड 2025 के आसपास दिखने वाली है। पर वहीं पे एक कंपनी ऐसी है जो मारुति सुजुकी के ठीक अपोजिट सोचती है और वो कंपनी है टाटा मोटर्स, जहां मारुति सुजुकी सोच रही है 2025 में अपनी फर्स्ट इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने का। वहीं टाटा मोटर्स का टारगेट है 2025 तक 10 इलेक्ट्रिक कार्स लॉन्च करने का, जिसकी शुरुआत जनवरी 2020 में ही हो चुकी थी नेक्सॉन ईवी के साथ। उसके बाद कंपनी ने टिगोर ईवी को लॉन्च किया था और अब टियागो ईवी को। और टियागो ईवी तो इंडिया की सबसे सस्ती और मोस्ट वैल्यू फॉर मनी इलेक्ट्रिक कार है। और अगर मैं इस गाड़ी के बारे में आपको थोड़े बहुत डिटेल्स दूं, तो इसकी प्राइस स्टार्ट हो रही है 8.49 लाख रुपए से, जो टॉप मॉडल 11.79 लाख रुपए तक जाती है। और इसमें आपको दो बैटरी पैक का ऑप्शन मिल जाता है, फर्स्ट 19 किलोवाट पर आवर का, जिसमें आपको रेंज मिलने वाला है अराउंड 215 किलोमीटर का, और सेकंड 24 किलोवाट पर आवर, और इसमें आपको थोड़ी बेहतर रेंज मिलेगी 315 किलोमीटर की। तो कंपनी जितना रेंज क्लेम कर रही है उतना रेंज तो आपको नहीं मिलने वाला रियल वर्ल्ड में, बट छोटी वाली बैटरी से अराउंड 150 टू 180 किलोमीटर तक का रेंज मिलेगा, और बड़ी वाली बैटरी के साथ 220 से 250 किलोमीटर तक का। और ये एक काफी अच्छी रेंज है प्राइस के हिसाब से। तो एक अच्छे रेंज के साथ साथ इसमें आपको अच्छी पिकअप भी मिल जाती है, क्योंकि 0 to 60 जाने में ये गाड़ी सिर्फ 5.7 सेकंड का टाइम लेती है। और साथ ही में इसमें इसके लुक्स को भी काफी इम्प्रूव किया गया है। मतलब नॉर्मल टियागो थोड़ी बोरिंग जरूर लगती है, बट टियागो ये भी अच्छी लग रही है और थोड़ी स्पोर्टी भी। अब बात करते हैं क्या ये गाड़ी मारुति सुजुकी के लिए इविल साबित हो सकती है, क्योंकि मारुति सुजुकी का कहना था 10 लाख के अंदर एक अच्छी इलेक्ट्रिक कार बनाना बहुत मुश्किल है, बट इस मुश्किल काम को टाटा मोटर्स ने मुमकिन करके दिखाया है। तो फ्यूचर में मारुति सुजुकी के इविल्स के लिए टियागो ये भी बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है, और इसके तीन रीजन है। नंबर वन, प्राइस। अगर आप टॉप सेलिंग कार्स की लिस्ट देखोगे तो 5 में से 4 गाड़ियां मारुति सुजुकी की ही है, और इन सभी गाड़ियों की प्राइस अराउंड 5 से 10 लाख के प्राइस रेंज में ही स्टार्ट होती है। मतलब इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ कार सेल्स इसी प्राइस रेंज में होती है। तो टाटा मोटर्स ने भी टियागो ईवी को इसी प्राइस रेंज में लॉन्च किया है। नंबर टू, एक्सपीरियंस एंड ट्रस्ट। टाटा मोटर्स ने जनवरी 2022 में ही अपनी फर्स्ट इलेक्ट्रिक कार नेक्सॉन ईवी को लॉन्च किया था, और अभी के टाइम पे टाटा मोटर्स के तरफ से 3 इलेक्ट्रिक कार अवेलेबल है, और 2025 तक 10 इलेक्ट्रिक कार्स अवेलेबल होगी टाटा मोटर्स के तरफ से, और साथ ही में 5 साल का एक्सपीरियंस भी होगा और मार्केट में एक काफी अच्छा ट्रस्ट भी होगा टाटा मोटर्स के पास। वहीं दूसरी ओर मारुति जो कि 2025 में फर्स्ट इलेक्ट्रिक कार को लॉन्च करेगी, तो ये बिल्कुल नई होगी इलेक्ट्रिक कार मार्केट में, और इसे ट्रस्ट बनाने में भी काफी टाइम लगेगा। नंबर थ्री, डिमांड एंड सप्लाई। अभी के टाइम पे इंडिया में जो भी कंपनी इलेक्ट्रिक कार सेल कर रही है उनके पास कोई सेपरेट प्लांट नहीं है इलेक्ट्रिक कार्स के प्रोडक्शन के लिए, वो अपने एग्जिस्टिंग प्लांट में ही खाली स्पेस का यूज करते हैं। पर अब टाटा मोटर्स के पास एक सेपरेट प्लांट होगा इलेक्ट्रिक कार्स के लिए, क्योंकि टाटा मोटर्स ने अभी रिसेंटली ही फोर्ड से उनका सनंद वाला प्लांट टेक ओवर कर लिया है, जिसे ये सिर्फ इलेक्ट्रिक कार्स के प्रोडक्शन के लिए यूज करने वाले हैं। तो जब ये प्लांट रेडी हो जाएगा प्रोडक्शन के लिए, उसके 1-2 महीने बाद से टाटा मोटर्स के ईवीज पे वेटिंग भी कम हो जाएगी, और जब वेटिंग कम होगी तो गाड़ियों की सेल्स ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो ये कुछ रीजंस थे जिसके वजह से मारुति सुजुकी को ईवीज के लिए काफी प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं, स्पेशली टाटा की टियागो से। तो गाइज, इस वीडियो में बस इतना ही था। आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट में जरूर लिखें, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ऐसे और वीडियोस देखने के लिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।